कर्म लौटता जरूर है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुजुर्ग आदमी भूख से व्याकुल था। वो एक तालाब पर जाता है और बड़ी मुशक्कत से एक मछली पकड़ता है कि चलो इससे मैं भूख मिटा सकूंगा। तभी वहां एक लड़का आता है और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए बुजुर्ग के हाथ से मछली छीन लेता है, साथ ही आगे आगे भागकर परेशान करने लगता है। बुजुर्ग में इतनी ताकत तो थी नहीं कि उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे मछली छीन ले। वे उस लड़के को कहता है, मेरी मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन लड़का नहीं मानता, वो और अधिक परेशान करने लग जाता है। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोलता है और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उस लड़के के हाथ में मछली का कांटा चुभ जाता है। वे दर्द से कहारता हुआ मछली को फेंककर घर चल जाता है। लड़का घाव पर दवा लगाता है पर उसका घाव ठीक नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं होता। तब लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे अंगूठे में जहर फैल चुका है, इसे काटना पड़ेगा। लड़के का अंगूठा काट दिया गया। फिर भी लड़के का अंगूठा ठीक नहीं होता, ना ही घाव भरता, ना दर्द कम होता। लड़का बहुत परेशान रहता है। कुछ दिनों बाद लड़का दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर भी कहता है, तुम्हारा घाव बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर ना फैल जाए, इसलिए इस पंजे को काटना पड़ेगा। लड़के का पंजा काटवाकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई देता है। वे दौड़ते उसी बुजुर्ग की तरफ जाता है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगता है और पूछता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा कि मेरे साथ ये सब घटना घटी। बुजुर्ग पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर कहते हैं, मैंने ईश्वर से सिर्फ यही कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आह ने देखो तुम्हारा ये हाल कर दिया। कर्म जरूर लौटता है, ईश्वर की अदालत में जैसे का तैसा मिलता है। हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, धोखा के बदले धोखा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। हम अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से ईश्वर प्रकृति के हवाले कर अपने आप को मुक्त करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।